स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एपी क्लास टेंथ की एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3, जिसमें देख लिए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। 3 का 4 तक देख लिए थे, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक अपील है आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5 से। आइए प्रश्न संख्या पे 3 का 5 देखिए। डी बराबर क्या दे दिया है, डी बराबर दे दिया है 5। एस 9 का मान दे दिया है कितना, 75। ए का मान निकालना है और ए 9 का मान निकालना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ से, इससे चलेंगे एस 9 से। आप लोग एस एन का फॉर्मूला जानते होंगे, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इसी सूत्र से हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो एस 9 यहाँ पे मालूम है ना, लिखेंगे 9 बाई 2 इंटू 2 ए का मान मालूम नहीं है, नहीं लिखेंगे। एन का मान 9 है तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 1, और डी का मान कितना है वहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बराबर एस 9 कितना दिया है, एस 9 दिया है 75, तो यहाँ के लिखेंगे 75 लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, समझिएगा। 9 बटा 2 तो कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा। तो देखिए 2 है किस में, भाग में जाएगा गुना में, 9 है गुना में भागेगा भाग में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 2a प्लस 9 में से 8, 8 5 से 40, ठीक है। बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, 75 गुणे 2 बटा में 9, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 दिया 9, 25 दिया 75, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ पे, 2a प्लस 40 बराबर 25 दुनी 50 बटे 3, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, यह दिया था ना 75, नहीं दिया था, हाँ वही है। ध्यान दीजिएगा आगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 40 से जोड़ में जाएगा घटाओ में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि आ जाएगा 2a बराबर 50 बटे 3 माइनस कितना 40, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 40 दिया 120, 50 माइनस 120 बटे 3, और ध्यान दीजिएगा आगे a के साथ है गुना में 2, तो 2 जाएगा भाग में नहीं। तो a बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, a बराबर लिखेंगे 50 में से 120 गया तो माइनस कितना 70 बटे कितना 3 गुने यहाँ पे 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 3 दुनी कितना आ जाएगा 6, ये से काट देते हैं इसको, 35 बार में कट जाएगा। ए का मान कितना आ गया, माइनस 35 बटे 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या निकालना हमें, ए 9 निकालना नहीं, तो ए 9 बराबर क्या हो जाएगा, ए 9 बराबर हो जाएगा ए प्लस 8d, ठीक है। ए प्लस 8d, तो ए 9 ए प्लस 8d होता है, ए का मान कितना लाया, माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 गुने डी का मान क्या है यहाँ पर, डी का मान आप लोग देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है 5, है ना। यहाँ पे 8 पंचे कितना होता है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 40, ध्यान दीजिएगा 40 थी 120, तो माइनस 35 प्लस 120 बटे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, नहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा, घटाइए 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा नहीं, बटे में 3, और यही आपका क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस में आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं गलत नहीं ना है, देख लेते एक बार अच्छे से, एस 9 ही दिया था, चलिए सही है सब जगह, ठीक है। तो उतारिए इसे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे 3 का 6 देखते हैं। यहाँ पर 3 का 6 क्या है, देखिए ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एन का मान निकालना है और ए एन का मान निकालना है, ठीक है। तो एस एन वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इतना बराबर क्या दे दिया है, इतना बराबर दे दिया है 90, तो लिखेंगे यहाँ पे 90। एन का मान नहीं मालूम है तो नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान मालूम है, कितना मालूम है 2, यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस एन का मान नहीं मालूम है तो नहीं लिखना है। डी का मान कितना मालूम है 8, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे, बराबर में कितना लिखेंगे 90। ध्यान दीजिएगा आप क्या होगा कि 2 जाएगा उधर, इधर है किस में, भाग में जाएगा गुना में नहीं, तो एन इंटू 2 दूनी 4 प्लस 8 से एन को पढ़ेंगे तो 8 है माइनस कितना 8, कोई दिक्कत नहीं ना। 90 गुने कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्यों लिखें, भाग में था किस में गया है, गुना में गया है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन इंटू 4 में से 8 जाएगा माइनस 4, तो 8 एन माइनस क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। बराबर 90 दूनी 180, ठीक है। अब देखिए एन के साथ ये क्या होगा, गुना होगा, तो गुना करेंगे तो 8 एन स्क्वायर, क्या लिखेंगे 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन बराबर में 180 है, तो 180, ठीक है। एक तरफ लाइए, एक तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए माइनस 180 बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। 4 से भाग लगेगा ना सब में, तो 4 से भाग लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 2 एन स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 यानी कि एन बचेगा माइनस 4 से भाग लगाइए तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20 आ जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है।
आप लोगों को बताया गया था कि ऐसा प्रश्न जब भी रहे द्विघात समीकरण के रूप का आ जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा जोड़ घटा के बीच वाला, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पर दो और पैंतालीस का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, नब्बे आएगा। नब्बे को तोड़ के कितना लाना है, एक लाना, ठीक है। तो देखिए, दस नवा नब्बे और दस में से नौ जाएगा, एक आ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर टू एन स्क्वायर माइनस दस एन प्लस एन माइनस पैंतालीस बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। देखिए फिर से, फर्स्ट एंड लास्ट का गुना जोड़ घटा के बीच वाला, ऐसा आप लोग को सिखाया गया, ठीक है। अगर नहीं सीखे हैं तो फिर से पढ़ाया जाएगा आप लोग को, यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, टू को पैंतालीस बार पढ़े तो नब्बे आया ना, नब्बे को तोड़ के क्या करना है, एक लाना है। तो नब्बे को हम लोग तोड़े किस में, दस और नौ में, दस नंबर नब्बे, दस में से नौ जाएगा एक। तो यहाँ पे लिखे हैं एन को, लिखे हैं टेन एन प्लस एन, ठीक है। दस में से और नौ छूट गया यहाँ पे, ठीक है, नौ छूट गया, नौ एन लिखेंगे तब ना माइनस एन बचेगा, ठीक है। दोनों में से कॉमन बताइए, दो कॉमन आ जाएगा, एन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचाएगा, एन बचा, यहाँ पे दो दो निकाल ले तो पाँच ही बचा ना, पाँच लिखेंगे, ठीक है। दोनों में से कॉमन लेंगे तो प्लस नौ निकल जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, एन माइनस पाँच बचेगा, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो को है, एगो लिखना है, तो एन माइनस पाँच लिख लेते हैं, एगो लिख लेंगे टू एन प्लस नौ बराबर में क्या लिखेंगे, जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन माइनस पाँच बराबर जीरो, यहाँ से आ जाएगा टू एन प्लस नाइन बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन बराबर पाँच, और यहाँ पे एन का मान क्या आ जाएगा, माइनस नौ बटे दो, ये संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, संभव नहीं, इमेजिनरी नंबर आ गया इसीलिए संभव नहीं है, ये संभव है। तो एन का मान कितना आ गया, एन का मान आ गया पाँच, हमें क्या निकालना, ए एन निकालना, ठीक है। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, सॉरी, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए फाइव निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी का मान कितना लाए थे, आठ है, वहाँ पे दिया हुआ था आठ, तो आठ लिख लेते हैं। ए का मान कितना है, दो है, तो लिखेंगे दो प्लस पाँच में से गया चार, चार अठे बत्तीस, बत्तीस और दो कितना आ जाएगा, चौंतीस, यही आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है, तो उतारे पहले इसे आप, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे इसके बाद, बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थ्री का सेवन नंबर, ठीक है, जिसमें दिया है ए का मान आठ है, एन का मान बासठ है, एस एन का मान दो सौ दस है, पूछा है एन का मान, पूछा है डी का मान, ठीक है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एस एन यहाँ पे दे दिया है, तो एस एन वाला, एस एन बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। इतना बराबर क्या दे दिया है, एस एन बराबर दे दिया है 210, तो लिखेंगे यहाँ पर 210, एन का मान है नहीं मालूम तो नहीं लिखना है, ए का मान कितना मालूम है, आठ, तो लिखेंगे आठ प्लस एन का मान कितना मालूम है, बासठ, तो लिखेंगे यहाँ पर बासठ बराबर कितना लिखेंगे, 210 लिखेंगे, ठीक है। तो एन बाई टू इंटू आठ बासठ को जोड़ेंगे तो सत्तर बराबर कितना, 210, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सत्तर से सात इक्कीस तीन बार में कट जाएगा, तो एन बराबर के अगर तीन दूनी छ आ जाए, ठीक है। एन का मान कितना आ गया यहाँ से, एन का मान आ गया यहाँ से छ, ठीक है। क्या पूछा है, किसका मान, डी का मान, नहीं तो एन, एन मालूम है ना बासठ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन मापद का सूत्र क्या होता है, एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू, सॉरी यहाँ पे बार बार गलत हो जा रहा है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बराबर कितना, बासठ दे दिया है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर बासठ। ए का मान कितना है, यहाँ पर आठ है, तो आठ लिखेंगे प्लस एन का मान कितना लाए हैं, छ, यहाँ लिखेंगे छ माइनस एक। डी का मान कितना है, यहाँ पे आठ है, सॉरी यहाँ पे डी का मान कितना है, डी का मान नहीं है, डी का मान ही निकालना है, नहीं तो डी नहीं लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, बासठ लिखेंगे, ठीक है। तो आठ यहाँ से छ में से क्या कितना, पाँच डी बराबर कितना, बासठ, तो पाँच डी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से बासठ माइनस पाँच, बारह में से पाँच ही जाएगा, कितना बचेगा, सात, यहाँ पे पाँच बच जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, संतावन बट्टे पाँच आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डी का मान और एन का मान लाना था, बस समझ में आ रहा है, तो उतरिए पहले से आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं, आठ नंबर, और एन बराबर दे दिया यहाँ पर चार, एन बराबर कितना दे दिया है, चार दे दिया है, ठीक है। डी का मान दे दिया है दो, एस एन दे दिया है हमारा, एस एन दे दिया है, एस एन दे दिया है माइनस चौदह, ठीक है, एस एन बराबर दे दिया माइनस का चौदह। यहाँ पे आगे क्या दिया है, आगे एन का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, एन का मान क्या होगा और ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो एस एन चलते हैं, एस एन वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हैं अभी अभी क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, बराबर कितना मालूम है, माइनस चौदह मालूम है आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एन का मान नहीं ना मालूम है तो नहीं लिखेंगे, ए का मान मालूम है कहाँ पे,
नहीं मालूम है तो ए लिख लेते हैं, प्लस ए एन कितना मालूम है यहाँ पे, चार मालूम है, नहीं तो चार लिख लेंगे, बराबर कितना लिखेंगे माइनस चौदह लिखेंगे, ठीक है। अब ये जाएगा उधर है, उधर जाएगा ना, इधर भाग में जाएगा गुना में, तो एन इंटू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस चार बराबर लिख सकते हैं माइनस चौदह गुने दो, चौदह दूनी कितना होता है अट्ठाईस होता है, ठीक है। तो एन इंटू ए प्लस फोर बराबर कितना आ गया, माइनस अट्ठाईस आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं, रखने देते हैं इतना ही पे अभी, ठीक है। आगे चलते हैं, समझते हैं एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी होता है और एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है एस एन बराबर एन वाई टू इंटू ए प्लस एन, तो पहले इसे लिखे हुए नहीं, ये तो लाई थी, यही लाया ना, चलिए एनवा पद का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं मालूम है, ठीक से एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। एन बराबर दिया है चार, डी का मान दिया है दो, एस एन बराबर दिया है माइनस चौदह, एन का मान निकालना है और ए का मान निकालना है, ठीक है। चलिए ए एन दे दिया ना, उससे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एन बराबर यहाँ पे लिखते हैं, एन बराबर क्या दिया है चार दिया, ठीक है। एन बराबर कितना दिया है चार, ठीक है। तो क्या आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यही होता है ना। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी का मान कितना दिया दो, यहाँ लिख लेते हैं एन माइनस वन इंटू दो, दो बराबर कितना लिख लेंगे यहाँ पे चार, तो ए प्लस दो से गुना करेंगे तो टू एन माइनस टू बराबर कितना लिखेंगे चार लिखेंगे, तो ए प्लस टू एन बराबर क्या आ जाएगा चार, अब प्लस में दो जाएगा ना, दो माइनस में तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस टू एन बराबर कितना छः, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बराबर लिख सकते हैं छः माइनस टू एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। समीकरण क्या मान लेंगे इसको, दो मान लेंगे, ठीक है, और ए का मान समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। जब एक में रखेंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, ए में यहाँ पर रख लेते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं, n इंटू क्या है a प्लस फोर बराबर माइनस अट्ठाईस है, ठीक है, इतना बात लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो n तो ऐसे ही रहेगा, a का मान कितना है सिक्स माइनस टू एन, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर बराबर माइनस अट्ठाईस, ठीक है। छः चार कितना हो जाएगा दस, तो n इंटू क्या हो जाएगा माइनस टू एन प्लस दस बराबर माइनस अट्ठाईस, ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। चले गुना करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस टू एन स्क्वायर प्लस दस एन बराबर में माइनस अट्ठाईस, ठीक है, इतना तक दिखा दे रहा है। आगे चले ऊपर लिखे ना, चले ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर लिखेंगे ध्यान दीजिएगा अच्छा से कि माइनस टू एन स्क्वायर प्लस दस एन, माइनस उधर था इधर आएगा प्लस अट्ठाईस बराबर क्या लिखेंगे जीरो, दो से सब में भाग लगेगा माइनस दो से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पांच एन आ जाएगा और माइनस चौदह दूनी अट्ठाईस यानी कि माइनस चौदह आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद पे तोड़ना है, और द्विघात बहुपद कैसे जुड़ता है, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा जोड़ घटा के बीच वाला चौदह लाना है, गुना करके जोड़ने घटाने पर पांच लाना, ठीक है, सात दूनी चौदह, सात में से दो जाएगा तो पांच आ जाएगा, बस समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस टू एन, देखिए सात दो नहीं चौदह आ जाएगा, सात में से दो जाएगा पांच आ जाएगा, ठीक है, माइनस चौदह बराबर क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे, ठीक है। एन एन कॉमन लेंगे तो एन माइनस सेवन बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप दो कॉमन लीजिएगा तो आइए कंटिन्यू करें, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए आप लोग का इंक भर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप एन माइनस वन सॉरी एन माइनस सेवन दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे यहाँ पर एन माइनस सेवन इंटू एन प्लस टू बराबर क्या लिखेंगे जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन माइनस सेवन बराबर जीरो, और एक आ जाएगा एन प्लस टू बराबर जीरो, तो एन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से सेवन और एन बराबर यहाँ से जाएगा माइनस टू, आप लोग जानते हैं एन का वन कभी माइनस में नहीं होगा, तो ये होगा संभव नहीं, ठीक है। तो ये होगा एन बराबर कितना सेवन, तो एन का मान तो हम लोग ले आए हैं, ठीक है, ए का मान निकालना है, ये नहीं निकालना है, तो ए एन वाला से सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और इतना बराबर क्या दे दिया चार दे दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो ए सेवन निकालना है ना, तो ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है यहाँ पे दो है, ठीक है, तो दो लिखेंगे बराबर क्या है चार, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ए और सेवन में से वन जाएगा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व बराबर क्या लिखेंगे चार, तो ए बराबर क्या आ जाएगा चार माइनस बारह, चार में से बारह जाएगा कितना बचेगा वो नहीं आता है,
माइनस सात में बचेगा रे, ठीक है तो माइनस सात आ जाएगा आपका सही आंसर। तो यहाँ पे ए का मान आ गया, एन का मान आ गया, बस समझ में आ रहा है। तो दोनों निकालना था आपको, एन का मान और ए का मान, तो उतरिए पहले से आप, फिर नेक्स्ट बताते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन का नौ है, क्या बोला है, ए का मान तीन दे दिया है, एन का मान आठ दे दिया है, एस बराबर 192, डी का मान पूछा है। ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना दिया है 192 दे दिया है। ठीक है एन का मान कितना दिया है आठ, तो लिखेंगे आठ बट्टा दो इंटू टू ए का मान है तीन प्लस एन का मान है आठ माइनस वन, डी का मान मालूम नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, बराबर 192, दो चौक आठ, चार बार में कट जाएगा तो क्या लिखेंगे चार इंटू द्वितीय छ, आठ में से एक गया सात, सात डी बराबर कितना 192। ठीक है गुणा में है भागेगा भाग में, ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो छ प्लस सात डी बराबर आ जाएगा 192 बट्टा में चार। ठीक है चार से काटेंगे चार चौका सोलह, चार अठे 32। ठीक है तो छ जोड़ में तो उधर भेज दे सीधे, ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7d बराबर आ जाएगा 48 और माइनस 6, 48 में से 6 जाएगा 42, कोई दिक्कत नहीं ना, तो d बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 42 बटे 7 यानी कि 7 6 42 6 आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये d का मान कितना आ गया 6 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे दसवां भी बता देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, एल एल मतलब होता है लास्ट पर, ठीक है इसी को एन भी बोलते हैं, एन एन का मान दे दिया कितना 28 और एस दे दिया यहाँ पर 144। ठीक है आई क्या बोला है, कुल नौ पद हैं यानी कि कुल नौ पद है यानी कि एन का मान कितना दे दिया है नौ, ठीक है कुल पद यानी कि नौ दे दिया है, ए का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है ए का। ठीक है तो यहाँ पे देखिए एनवा पद दे दिया है, एस भी दे दिया, नहीं तो हम लोग एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या आता है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ये भी तो होता है ना, बराबर कितना दे दिया 144। ठीक है एन का मान कितना है यहाँ पे 9, तो लिखेंगे 9 बाई टू इंटू ए का मान नहीं मालूम है, एन का मान मालूम है कितना 28, बराबर कितना लिखेंगे 144। ठीक है तो देखिए 9 से एक कट जाएगा, 9 से काटते हैं, 9 से 16 नंबर 44 से 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ पे 2 है भाग में जाएगा गुना में, तो ए प्लस 28 बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस 28 बराबर 32, तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से ए का मान आ जाएगा 32 माइनस 28 यानी कि 4, बात समझ में आ रहा है, तो ए का मान कितना आ गया यहाँ से 4 आ गया। ठीक है तो यही आपसे पूछा था, तो इस तरह से बनाना है हमें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त के बीच शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।